साथियों पिछले दस साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही कौन सी पार्टी सत्ता में रही चोरों की पार्टी सत्ता में रही भाजपा नहीं चोरों की पार्टी सत्ता में रही है निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए बेबाक सच के संघर्ष की राह में, में मेरा साथी बनिए बहुत आसान है दोस्तों साथ में दिए क्यू आर कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ एक फिल्मी गाना है बड़े अरमान से रखा है सनम तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम प्यार की दुनिया हो राजनीति की दुनिया हो आकाश आनंद आए थे राजनीति की दुनिया में आकाश आनंद समझ रहे होंगे आप बहन जी के भतीजे मायावती जी के भतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश आनंद को मायावती जी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था हालांकि उनको कहीं चुनाव तो नहीं लड़ाया गया लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे आकाश आनंद बहुत जोर शोर से जोशीले हैं नए हैं लंदन से पढ़ाई करके आए हैं सुशिक्षित हैं लंदन से आकर के जो जब टू वो बैक टू इंडिया हुए और यहाँ पे आने के बाद में उनको राजनीति का फलसफा पढ़ाने के लिए समझाने के लिए बहन जी ने कहा कि अब मेरे तुम वारिस हो राजनीतिक वारिस हालांकि बहुजन समाज पार्टी में वारिस बनाने का चलन तो नहीं है और परिवार के लोगों को नहीं है मान्यवर काशी राम ने बहन मायावती को अपना राजनीतिक वारिस बनाया था तो उनके परिवार की नहीं है इसलिए बताते हैं कि मायावती जी ने शादी नहीं की थी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कहा जाता है कि परिवार की राजनीति को मना है जैसे मना बीजेपी में भी है परिवार की राजनीति नहीं करनी हालांकि आरोप लगते हैं कि परिवार के लोग बहुत हैं उनके पास परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग बहुत हैं भले ही प्रधानमंत्री कहते हों लेकिन लोग उदाहरण बहुत सारे दे देते हैं मैं उन पर नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ चलूंगा उस बात कर कि जो मायावती जी ने बनाया था आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी राजनीतिक वारिस जिनको विरासत दी थी अपने जीते जी जिनको अपना पूरी तरह से सर्वस्व दे दिया था कि आकाश आनंद सब कुछ देखेंगे थोड़ा सा विरोध भी हुआ था भले ही लेकिन बहन जी ने मायावती जी ने आकाश आनंद को खुला आकाश दे दिया था कि आप खूब विचरण करो उसके अंदर आकाश आनंद पूरे आनंद के साथ विचरण कर भी रहे थे एक सभा में वो योगी जी पर क्या बोले बीजेपी पर वो क्या बोले कि बस उनको चलता कर दिया 28 अप्रैल की बात थी वो जब उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज है वो कानून का राज नहीं है योगी सरकार पर कई टिप्पणियां की आप सुनिए उस भाषण को आकाश आनंद उसमें क्या कहा था आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है आप जानते हैं ये भाजप्टी कहां से पैसा उठाती है ये धरना सेटो से पैसा उठाती है साथियों ये वो पार्टियां हैं जो पिछले छे सालों में पिछले सिर्फ छह सालों में इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स के द्वारा साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपए ये धरना सेटो से चंदे के रूप में ले चुके हैं साथियों अब ये कहते तो है चंदा है बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों में, आप लोगों लोगों में के सामने वो रखेगा आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेटो से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है परंतु साथियों इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया जो अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है हमारी माए बैठी हैं मां सुन लो तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है साथियों पिछले दस साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही कौन सी पार्टी सत्ता में रही चोरों की पार्टी सत्ता में रही भाजपा नहीं चोरों की पार्टी सत्ता में रही है तो साथियों इन चोरों से पूछना पिछले दस साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया साथियों पूछना आप इनसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल नहीं करना अगर हम जाति और धर्म के आधार पर कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंद जाएगी मुंह पे टेप बंद जाएगा तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी पर जब साथियों पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं कोई बात नहीं एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहाँ पर काम करने का तो आकाश आनंद के भाषण के बाद एकदम से राजनीति बदलनी शुरू हुई और राजनीति बदलनी शुरू हुई और यहां तक पहुंची कि परसों रात को रात के अंधेरे में आधी रात को आधी रात को फैसला हुआ आकाश आनंद को राजनीतिक विरासत उनसे वापस लेने का जो वो स्टार प्रचारक थे वहाँ से भी हटा दिया जो उत्तराधिकारी थे वहाँ से भी हटा दिया जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल एक्टिव कन्वीनर जो उनको कार्यकारी संयोजक बनाया गया वो भी हटा दिया यानी कि कंप्लीट पंख कुतर दिए जो आकाश आनंद खुले आकाश में विचरण करने की तैयारी कर रहे थे उनके पर कतर दिए पूरी तरह से और उनको घर बिठा दिया आज आकाश आनंद की एक बड़ी एक्सपर टिप्पणी भी चल रही थी उसमें उनका दर्द सामने आ रहा था अब बड़ी चर्चाएं हैं चर्चाएं ये है कि आखिर बहन ने ऐसा क्यों किया आखिर आकाश आनंद से सारा उनका जो उनको दिया था सब कुछ उनको क्यों खाली कर दिया दोस्तों लंबे समय से एक बात चलती है पर एक बात ये चलती है कि जो बहन जी हैं वो जो राजनीति करती हैं वो राजनीति करती हैं बीजेपी के हिसाब से कहा जाता है कि बहन जी को मायावती जी को अपने आने वाले समय को लेकर बहुत खतरे कुछ हैं कहा जाता है कि बहन जी की कुछ जो मामले हैं जो कुछ उनको आजकल सरकारी एजेंसियों वाला जो मसला है खैर आप सब समझते हैं कि जो मैं भी कहना चाह रहा हूँ और जो सब कुछ चल रहा है खैर को लगता है कि कहीं वो गड़बड़ ना हो इसलिए कहा जाता है कि बहनजी पूरी तरह से प्रभाव में रहती हैं अब आप देखें तो पिछले दिनों कैंडिडेट बदले गए धन सिंह चौहान धनंजय सिंह ठाकुर की धर्मपत्नी का टिकट बदल दिया चुनाव के अंदर चलते चुनाव में और राजनीतिक चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि जो टिकट वितरण किया वो इस प्रकार से किया बहनजी ने कि कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मजबूत हैं तो फिर उनको कमजोर किया जा सके और अब आकाश आनंद की विदाई ये सारे जो सवाल हैं ये सवाल उठ रहे हैं आज बहुजन समाज पार्टी पर उत्तर प्रदेश के अंदर तीन चरण का चुनाव हो चुका है यूपी के अंदर पूरे सात चरण चुनाव चलना है उत्तर प्रदेश के बाद में पंजाब में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में हालांकि गठबंधन हुआ था अकाली दल बादल से बात नहीं बनी है अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और भी कई स्थानों पर ऐसी चर्चाएं हैं मेन उत्तर प्रदेश की बात है मुख्य उत्तर प्रदेश की बात है अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में मायावती जी पूरे बहुमत के साथ और उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव ले गए थे सत्ता को 2017 और 2022 से योगी हैं 2017 में भी मायावती जी की कंडीशन बड़ी ख़राब हुई और 2022 के चुनाव में तो मात्र एक विधायक आया 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बुआ भतीजे ने इकट्ठे लड़ा था बड़ी चर्चाएं थी बुआ बबुआ बुआ बबुआ बात चलती थी पंद्रह लोकसभा की सीटों पर कब्जा हो गया था पांच समाजवादी पार्टी को और दस बीएसपी को दस सांसद बन गए थे बीएसपी के उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी चर्चाएं चलती रही इंडिया गठबंधन में पहले चलता रहा कभी ये बात आई कि मायावती जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट ये वो तमाम प्रकार की बातें चली लेकिन राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक चिंतक कहा करते थे कि बहन जी करेंगी वो जो आदेश आएगा जो चुपचाप से निर्देश मिलेगा चुनाव चलते चुनाव के अंदर जिस प्रकार के घटनाक्रम बन रहे हैं वो इंगित कर रहे हैं कि बी में कुछ चल रहा है वो इंगित कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कैडर बेस पार्टी थी उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है क्या गड़बड़ चल रही है क्या लगता है आपको क्या आकाश आनंद को किसी दबाव में मायावती जी ने बेताकत किया है उनकी ताकत छीन ली है आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आकाश आनंद परिपक्व नहीं है जो बहन जी ने कहा है कि वो जब परिपक्व हो जाएंगे तो उनको विरासत दी जाएगी विरासत तो अपरिपक्व पर, को भी दी जाती है कई बार खैर और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर क्या बहुजन समाज पार्टी स्लीपर सेल की मुद्रा में है कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना